हाइड एंड सीक 2005 की अमेरिकन हॉरर साइकोलॉजिकल मूवी है। इस फिल्म में रॉबर्ट डिनेरो डेविड के किरदार में नजर आए हैं। रॉबर्ट डिनेरो अमेरिका के जाने माने हॉलीवुड एक्टर हैं। इस फिल्म के किरदार है डेविड, उसकी बीवी एलिसन और बेटी एमिली। अपने माँ के मौत के बाद एमिली ने चार्ली नाम का इमेजिनरी दोस्त बनाया था, जिसके बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। डेविड अपनी बेटी की बहुत फिक्र करता, वो चाहता था कि उसकी बेटी अपने माँ के मौत के सदमे से उभरे, पर एमिली के इस चार्ली नाम के दोस्त से डेविड और भी परेशान हो चुका था। डेविड को लगता था कि एमिली का बिहेवियर काफी बदल चुका है और इसका कारण सिर्फ चार्ली है। कौन है चार्ली और क्या वो डेविड को दिखता है, यही इस फिल्म का राज है, जो हमें फिल्म के एंड में समझ आता है। इस फिल्म को IMDb पर 6 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म का बजट था $25 मिलियन और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था $123.2 मिलियन। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एमिली और उसकी माँ एलिसन को, जो कि एमिली के सोने से पहले उसके बेडरूम में हाइड एंड सीक गेम खेलते हैं। इसके बाद एलिसन डेविड से कहती है कि वो थोड़ी देर बाद सोने आएगी। रात को डेविड को सपना आता है कि वो और एलिसन एक पार्टी में गए हैं, जहां वो एलिसन को कहीं बाहर जाते हुए देखता है। यहां उसकी नींद खुलती है। तब घड़ी में रात के 2:06 हुए थे। वो देखता है कि उसकी बीवी बेड पर नहीं है। उसे एलिसन अपने बाथरूम में मरी हुई मिलती है। एलिसन ने अपने हाथ की नस काट कर सुसाइड किया था। एमिली को अपनी माँ के मौत से सदमा पहुंचा था। वो बहुत शांत और चुपचाप रहने लगी थी। डेविड खुद एक साइकियाट्रिस्ट था, पर उसने एमिली को अपनी दोस्त और फैमिली फ्रेंड डॉक्टर कैथरीन के अस्पताल में एडमिट किया था। उसी दौरान कैथरीन और एमिली के बीच अच्छी बॉन्डिंग होती है, पर वो तब भी सहमी सी रहती। तब डेविड फैसला करता है कि उसे इस शहर से दूर ले जाएगा, जब तक कि वो नॉर्मल ना हो जाए। वो उसे वुडलैंड ले जाता है, जहाँ उसने एक घर हायर किया था। वहाँ जाते ही उसे प्रॉपर्टी डीलर हैस्किंग और शेरिफ हैफर्टी मिलता है। जब उन लोगों की बातें चल रही थी, तब एमिली वहां से अचानक गायब होती है, जिसकी वजह से वो सब उसे ढूंढने लगते हैं। डेविड को एमिली दिखती है, जो एक जंगल के रास्ते की तरफ मुंह करके खड़ी थी। वो उसे वहां से लेके जाता है। डेविड एमिली का बहुत ख्याल रखता, वो भी बिल्कुल एमिली के साथ हाइड एंड सीक गेम खेलता जैसे कि उसकी माँ खेलती। वो एमिली को एक डायरी देता है और कहता है कि तुम्हारे साथ रोज क्या होता है, तुम्हारा दिन कैसे बीतता है, ये इस डायरी में लिखो। दूसरी दिन सुबह डेविड पैकिंग किया हुआ सामान खोलने लगता है, तभी एमिली जंगल के अंदर जाती है, जहां उसे एक केव यानी गुफा दिखती है। यहां पर डेविड अपने काम में बिजी था, वो भी म्यूजिक सुनता और अपने डायरी में कुछ ना कुछ लिखता। शाम को उनसे मिलने एक औरत आती है, जिसका नाम लॉरा था। वो उनकी नेबर थी, जो आते वक्त उनके लिए कुछ गिफ्ट्स लाती है। दूसरे दिन एमिली और डेविड कुछ सामान खरीदने शहर जाते हैं, जहाँ डेविड की मुलाकात एक औरत से होती है, जिसके साथ एक बच्ची थी जो एमिली के उम्र की थी। उस औरत का नाम था एलिजाबेथ यंग और उस लड़की का नाम था एमी। एमी एलिजाबेथ की बहन की बेटी थी। एलिजाबेथ एक डिवोर्सी थी, जो अपने खाली वक्त में एमी का ध्यान रखती, उसे घुमाने ले जाती। डेविड एलिजाबेथ को घर बुलाता है, ताकि एमी और एमिली के बीच दोस्ती हो, क्योंकि डेविड को लगता है एमिली अगर एली से दोस्ती करेगी तो शायद वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। रात को सोते वक्त डेविड एमिली से उसके डॉल के बारे में पूछता है, तो वो उसे कहती है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, मुझे अब चार्ली नाम का एक नया दोस्त मिल चुका है। डेविड उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, तब एमिली कहती है कि उसे अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊं। मैं उसे आज सुबह मिली शहर जाने से पहले। डेविड उसे पूछता है कि क्या वो अभी हमारे साथ है। तब एमिली मुस्कुरा के कहती है कि अभी वो शायद सो गया है। डेविड कैथरीन को एमिली के इमेजिनरी फ्रेंड चार्ली के बारे में बताता है। तब कैथरीन उसे कहती है कि उसका इस तरह से इमेजिनरी दोस्त बनाना बिल्कुल आम बात है, इसमें तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। रात को डेविड जब कचरा फेंकने जाता है, तब उसे एमिली की डॉल उस डस्टबिन में टूटी हुई हालत में मिलती है। डेविड को रात में फिर से वही सपना आता है, उसी पार्टी का। तो फिर से उसकी आंख 2:06 पर खुलती है, तो वो देखता है कि बाथरूम की लाइट्स ऑन है। वो अंदर जाके देखता है, तब उसे दिखता है कि दीवार पर किसी ने लिखा है, यू लेट हर डाई, यानी तुमने उसे मरने दिया। तब वो एमिली को पूछता है कि
तुमने ऐसा क्यों किया? एमिली कहती है कि ये सब मैंने नहीं, चार्ली ने किया। दूसरे दिन उनके घर एलिजाबेथ आती है एमी को लेके। एमिली और एमी खेलने जाती है, पर एमिली उसके साथ खेलती नहीं। एमी की डॉल एमिली तोड़ देती है, जैसे उसने खुद की डॉल तोड़ी थी। एमिली के इस अजीब बिहेवियर से एमी डर जाती है। उनके जाने के बाद डेविड उसे पूछता है कि तुम्हें एमी अच्छी लगी या नहीं। तब एमिली उसे कहती है कि मुझे अब किसी और दूसरे दोस्त की ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन डेविड देखता है कि कोई अनजान आदमी एमिली से बातें कर रहा है। वो बाहर जाके देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो लॉरा का हस्बैंड स्टीवन है। वो डेविड से कहता है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारी इतनी प्यारी बेटी है। रात के वक्त डेविड को एमिली के रूम से हंसने की आवाज़ आती है, तो वो ऊपर जाके देखता है। एमिली कहती है कि मैं और चार्ली खेल रहे थे, वो अभी अभी खिड़की के रास्ते बाहर गया। वो जो खिड़की खुली थी उसे देखकर डेविड हैरान होता है, क्योंकि वो खिड़की खुद डेविड ने खोलने की कोशिश की थी पर वो जाम हो चुकी। तो वो हैरान हो जाता है कि एमिली ने उस खिड़की को किस तरह से खोला होगा। तब डेविड उसे कहता है कि मैं तुम्हारे दोस्त चार्ली से मिलना चाहता हूँ, पर एमिली कहती है कि उसे आप अच्छे नहीं लगते, वो आपको पसंद नहीं करता। रात को एमिली चार्ली के साथ हाइड एंड सीख खेलते वक्त नीचे बेसमेंट में जाती है, तब वहाँ की लाइट्स चली जाती है और एमिली डर के चिल्लाती है, तो डेविड भागकर उसे नीचे लेने जाता है। एमिली कहती है कि चार्ली अंधेरे में छुपा था, उसने मुझे डराया। दूसरे दिन सुबह लॉरा आती है। लॉरा अपने पति के बिहेवियर के लिए डेविड से माफ़ी मांगने आई थी, क्योंकि स्टीवन का वहाँ आना डेविड को अच्छा नहीं लगा था। लॉरा बताती है कि कुछ साल पहले हमने अपनी बेटी को खोया था, वो भी बिल्कुल एमिली की उम्र की थी, इसीलिए वो एमिली से मिलने आया था, उसे तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसी रात एलिजाबेथ एमिली के घर डिनर के लिए आती है, तब एमिली अपनी माँ के कपड़े और ज्वेलरी पहनकर आती है। तब डेविड उसे कपड़े बदल कर आने के लिए कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानती। डिनर के वक्त एमिली एलिजाबेथ को पूछती है, क्या तुम्हें डैड ने बताया मेरी माँ की मौत हुई है? उसने अपने आप को किस तरह मारा? एलिजाबेथ उसके लिए कुछ किताबें लाई थी, पर वो एक एक करके सारी किताबें फेंक देती हैं। वो अपने डैड से पूछती है, क्या आप उसे पसंद करते हो? चार्ली ने मुझे बताया कि आप माँ से ज़्यादा उसे पसंद करते हो। तब डेविड एमिली के ऊपर बहुत गुस्सा होता है और एमिली वहाँ से चली जाती हैं। एमिली के इस बर्ताव के लिए डेविड एलिजाबेथ से माफ़ी मांगता है। वो कहता है कि चार्ली बस उसका एक इमेजिनरी दोस्त है। उसी रात को डेविड को वही सपना आता है फिर से। उसकी आँख 2:06 पर खुलती है और फिर से उसे बाथरूम की लाइट्स ऑन दिखती है। वो जाके देखता है, बाथरूम के दीवार पर लिखा था, नाउ लुक व्हाट यू हैव डन। उसे बाथटब में अपनी बिल्ली मरी हुई मिलती है। इस बात पर वो फिर से एमिली पर गुस्सा होता है, पर इस बार डेविड उसका यकीन नहीं करता। पर एमिली कहती है कि इसका जिम्मेदार भी चार्ली है। डेविड उस मरी हुई बिल्ली को अपने घर के पास वाले जंगल में गाड़ देता है। दूसरे दिन सुबह डेविड एमिली को पूछता है कि चार्ली ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, क्या इसकी वजह एलिजाबेथ है? वो कहता है, चार्ली को समझना होगा कि एलिजाबेथ मम्मी की जगह नहीं ले रही, उसे एलिजाबेथ क्यों पसंद नहीं? इस बात पर एमिली कहती है, क्योंकि उसे आप पसंद हो और चार्ली नहीं चाहता कि आप हैप्पी रहो। डेविड उसे कहता है कि मैं चार्ली से मिलना चाहता हूँ। तब एमिली उसे बेडरूम में ले जाती है, तब वो देखता है कि एमिली ने चार्ली की ड्राइंग बनाई थी। उसने अपनी माँ की और चार्ली की ड्राइंग बनाई थी। वो कहती है कि मम्मी को भी चार्ली पसंद है, वो उसे सेटिस्फाई करता है। इस बात पर डेविड एमिली पर गुस्सा होता है और कहता है कि ये बातें तुम्हें किसने बताई? वो फिर से नाम लेती है चार्ली का। दूसरे दिन उनसे मिलने कैथरीन आती है। एमिली बहुत दिनों बाद कैथरीन से मिलके खुश हुई थी। कैथरीन उसे उसके इमेजिनरी दोस्त चार्ली के बारे में पूछती है। पहले तो वो कहती है कि उसे पसंद नहीं कि उसके बारे में कोई बात करें। फिर बताती है, हमें हाइड एंड सीख खेलना पसंद है और हम दोनों हमेशा और एक गेम खेलते हैं जिसका नाम अपसेटिंग डैडी था। एमिली का कहना था कि वो इस गेम में डेविड को दुख और तकलीफ देते हैं, और वो ये भी कहती है कि चार्ली को पसंद नहीं कि तुम हमारे बीच आओ। कैथरीन एमिली की ऐसी हालत देखकर डेविड को कहती है कि मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती हूँ कि जब तक वो अच्छी ना हो जाए।
वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। वो समझती है कि ये सब गेम है और वो इसके लिए चार्ली को यूज कर रही है तुम्हें डिसअपॉइंट करने के लिए। डेविड कहता है कि वो अगर कुछ हफ्तों में ठीक नहीं हुई तो मैं खुद उसे वापस ले आऊँगा। रात को डेविड एमिली की डायरी देखता है। उसने एक एक पन्नों पर ड्राइंग की थी। वो ड्राइंग बिल्कुल उसकी माँ जैसी बाथरूम में मरी थी बिल्कुल वैसी थी। रात को डेविड अपने बेडरूम से देखता है कि लॉरा और स्टीवन एक दूसरे से लड़ते हैं। वो अगले दिन सुबह लॉरा के पास जाता है कुछ गिफ्ट्स लेके, पर वहाँ लॉरा अपनी बेटी की याद में रोने लगती है। वो कहती है कि हमने अपनी बेटी के मरने के बाद बहुत से प्रॉब्लम फेस किए और अब हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं रहा। शाम के वक्त एलिजाबेथ उनके घर आती है। उसे पता नहीं था कि डेविड स्टडी रूम में म्यूजिक सुनते वक्त कुछ राइटिंग कर रहा है। वो डायरेक्ट एमिली के बेडरूम में जाती है और एमिली से कहती है कि मुझे उस दिन के लिए माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच नहीं आना चाहती। तब एमिली उसे कहती है मैं और चार्ली हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, वो उस कबर्ड में छुपा है। एलिजाबेथ को लगता है कि एमिली ज़रूर कोई मजाक कर रही है, तो वो भी खेल खेल में चार्ली को ढूंढने के लिए कबर्ड की ओर जाती है। जब वो कबर्ड खोलती है तब चार्ली को देखकर वो डर जाती है और उस बेडरूम के खिड़की से नीचे गिरती है। यहाँ हमें भी चार्ली कौन है ये दिखाया नहीं गया। रात को डेविड की नींद खुलती है। वो वही स्टडी रूम में सोया था। वो देखता है कि उनके फैमिली फोटो में से किसी ने उसका चेहरा फाड़ दिया था। उसे ये सारी हरकतें एमिली की लगती हैं और वो ऊपर एमिली के पास जाता है। वो देखता है कि एमिली एक ड्राइंग बना रही थी। वो ड्राइंग भी उसने वैसी बनाई थी जिस तरह से एलिजाबेथ नीचे गिरी थी। वो ड्राइंग देख के डेविड को लगता है कि शाम को ज़रूर खिड़की के पास कुछ ना कुछ हुआ होगा। वो नीचे झाँक कर देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। वो उसे पूछता है कि क्या हुआ था पर वो कुछ नहीं बताती। तब नीचे डोरबेल बजती है। उनके घर शेरिफ आया था। वो डेविड को बताता है कि एलिजाबेथ की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है पर वो उस गाड़ी में नहीं है। उसकी भांजी एमी ने कहा था कि वो तुमसे मिलने गई थी, क्या वो यहाँ आई थी? तब डेविड उसे कहता है कि वो यहाँ नहीं आई थी। एमिली ये सब बातें छुपकर देख रही थी। तो शेरिफ उससे भी पूछता है पर वो भी यही कहती है कि एलिजाबेथ यहाँ नहीं आई थी। शेरिफ के जाने के बाद डेविड ऊपर आता है और एमिली से पूछता है कि वो कहाँ है। तब एमिली ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। डेविड जब बाथरूम में जाता है तब उसे दिखता है कि उस बाथरूम के कर्टन पर किसी ने लिखा था कैन यू सी नाउ। जब वो कर्टन हटा के देखता है तब उसे एलिजाबेथ की लाश बाथटब में मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाता है। वो अपनी बेटी एमिली से कहता है कि ये तुमने क्या किया। वो कहती है कि यह सब मैंने नहीं चार्ली ने किया। तो वो एमिली को रूम में लॉक करके नीचे जाता है और रोने लगता है। यहाँ एमिली दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है पर यहाँ हम देखते हैं कि बाहर से ही कोई दरवाज़ा खोलता है पर वो हमें दिखता नहीं। तब एमिली नीचे जाती है और कैथरीन को फ़ोन करके कहती है कि मुझे और अब चार्ली के साथ नहीं खेलना। यहाँ डेविड ऊपर आता है तो वो देखता है कि एलिजाबेथ की डेड बॉडी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो उस डेड बॉडी को जंगल में गाड़ना चाहता था। तब एमिली उसे कहती है कि वो उसे अभी लेके गया, वो यानी चार्ली। तब डेविड उसे ढूंढने के लिए बाहर जाता है। वो एमिली से पूछता है कि वो कहाँ है। तब एमिली रोते रोते कहती है कि ही इज़ हाइडिंग, यानी वो छुपा है। डेविड जब चार्ली को ढूंढ रहा था तब उसका पड़ोसी स्टीवन आता है और उसे कहता है कि मैंने जंगल में आवाज़ सुनी और तुम्हें फावड़े के साथ जंगल से आते देखा, क्या सब कुछ ठीक है? क्या एमिली ठीक है? मुझे उससे अभी मिलना है। तब डेविड उसे कहता है कि तुम एमिली से दूर रहो और उस पर चाकू से हमला करके उसे घायल करके घर में जाता है, जहाँ पर वो डोर लॉक करता है। वो एमिली से कहता है कि चार्ली अब चला गया है, पर एमिली उससे कहती है कि वो फिर से आएगा। एमिली डेविड के कान में कहती है कि प्लीज़ मुझे चार्ली मत दिखाइए, मुझे फिर से अकेला छोड़ के मत जाइए। इसके बाद डेविड को एक कमरा दिखता है। वो वहाँ पर जाता है और देखता है कि कुछ सामान पैकिंग के साथ ही पड़ा हुआ था। वो एक बॉक्स खोलता है तब वो देखता है कि हेडफोन और उसकी डायरी थी, जिसमें वो कुछ ना कुछ हमें लिखते हुए दिखता था। हमें जैसे दिखाया गया था कि चार्ली म्यूजिक सुनते हुए कुछ लिखता था, उस डायरी के पन्ने भी कोरे थे। इस सीन में हमें पता चलता है कि चार्ली और कोई नहीं बल्कि डेविड ही है। जब डेविड बिजी होता था तब चार्ली आता था, यानी जब हमें डेविड कुछ लिखते हुए दिखाया जाता है तब वो असल में कुछ नहीं करता था।
तब वो चार्ली बन जाता था। यहाँ हमें वो पार्टी का सीन भी दिखाया जाता है जो डेविड को सपने में दिखता था। उसकी बीवी जब पार्टी से बाहर जाती है तब वो उसका पीछा करता है और देखता है कि वो किसी और गैर मर्द के बाहों में है। इसी गुस्से से चलते वो अपनी बीवी को मार डालता है, जिसे वो एक सुसाइड का रूप दे देता है। और एलिजाबेथ को भी उसी ने मारा था, उसके हाथों पर उसके नाखूनों के निशान थे। जब डेविड आता है तब चार्ली हाइड होता था और जब चार्ली आता था तब डेविड। पर अब ये बातें जानकर डेविड ने चार्ली का रूप ले लिया था। वो एमिली से कहता है, डोंट वरी, अब डैडी हमेशा के लिए चले गए हैं। थोड़ी देर बाद शेरिफ उनके घर आता है। वो एमिली से कहता है कि तुम्हारे पड़ोसी ने फ़ोन किया था, क्या यहाँ सब कुछ ठीक है और तुम्हारे डैडी कहाँ है। एमिली जो उसका ड्राइंग बना रही थी वो उसे कहती है कि तुम मरने वाले हो। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती है। वो जब नीचे जाता है लाइट्स ऑन करने के लिए तब डेविड जो चार्ली बन चुका था वो उस पर हमला करके उसे नीचे बेसमेंट में फेंक देता है। ये सब देख के एमिली डर जाती है। वो उसे यानी चार्ली से पूछती है, क्या तुमने माँ को मारा। वो कुछ नहीं कहता और गिनती गिनना शुरू करता है। इसका मतलब ये था कि वो अब एमिली के साथ हाइड एंड सीख खेलेगा और अगर वो उसके हाथ आई तो वो उसे मार डालेगा। एमिली डर के अपने बेडरूम में जाती है और दरवाज़ा लॉक करती है। तब तक वहाँ कैथरीन आती है। उसे घर में खून के निशान दिखते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाती चार्ली उस पर हमला करता है और उसे भी नीचे बेसमेंट में फेंक देता है, जहाँ उसे शेरिफ जख्मी हालत में दिखता है। वो उसकी गन लेके एमिली को ढूंढने जाती है। एमिली अपनी खिड़की से नीचे होकर जंगल की तरफ गई थी। उसका पीछा चार्ली करता है उसे मारने के लिए और कैथरीन उनके पीछे जाती है एमिली को बचाने के लिए। एमिली उसी जंगल के केव में छुपी थी जहाँ उसे डेविड सबसे पहले चार्ली के रूप में दिखा था। इसी गुफा में चार्ली कैथरीन को बताता है कि मैं उसे यहाँ नहीं लाना चाहता था, एमिली बीमार नहीं है बल्कि मैं बीमार हूँ। कैथरीन उसे कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर वो ही उस पर हमला करता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तब एमिली उसे कैथरीन को छोड़ने के लिए कहती है। वो कहती है कि वो मेरी दोस्त है, तुम उसे मत मारो चार्ली। तो वो कैथरीन को छोड़ के एमिली की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, पर कैथरीन ही एमिली को बचाने के लिए उस पर गोली चलाकर उसे मारती हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि कैथरीन ने ही अब एमिली की सारी जिम्मेदारी ली थी। यह लास्ट सीन में डायरेक्टर ने और एक बात बताई है, जब एमिली अपनी और कैथरीन की ड्राइंग बनाकर स्कूल जाती है तब कैमरा फिर से एमिली के ड्राइंग के ऊपर आता है। तब हमें एमिली के दो चेहरे दिखते हैं। इसका मतलब ये था कि एमिली को भी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, यानी उसके अंदर भी दो पर्सनैलिटी है। फिल्म को देखते वक्त हमें लगता है कि चार्ली ज़रूर कोई भूत होगा, पर हमें फिल्म के एंड में ही पता चलता है कि चार्ली कौन है। डेविड को जब उसके बीवी की सच्चाई पता चलती है तब उसे सदमा लगता है और वो अपनी बीवी को मार देता है। इसके बाद ही चार्ली का जन्म हुआ था। और इस फिल्म में चार्ली और डेविड की हाइड एंड सीक गेम बहुत अच्छे तरीके से दिखाई है। इस फिल्म के कुल मिलाकर 5 एंडिंग थे। ये पहली एंडिंग थी जो मैंने आपको बताई, जो रिलीज़ करवाई गई थी, और बाकी की 4 एंडिंग के बारे में अब हम जानते हैं। दूसरी एंडिंग, हैप्पी ड्राइंग, ये एंडिंग पहले वाले जैसी है। बस इस एंडिंग वाले ड्राइंग में हमें एमिली के दो चेहरे नहीं दिखाए। इसका मतलब ये था कि एमिली अब पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है और वो अपने नए लाइफ में खुश है। तीसरी एंडिंग थी वन फाइनल गेम। यह एमिली हमें एक नए कमरे में दिखती है। एमिली को अंधेरे से बहुत डर लगता था, तो वो अपनी माँ को हमेशा सोने से पहले उसके बेडरूम का दरवाज़ा खुला रखने को कहती थी ताकि बाहर की लाइट्स उसके बेडरूम में आए। वैसे ही वो कैथरीन को बेडरूम का आधा दरवाज़ा खुला रखने के लिए कहती है। और जैसे कैथरीन उस कमरे से बाहर आती है तब हम देखते हैं वो कमरा एक चिल्ड्रंस साइकोलॉजिकल वार्ड का एक रूम है, जहाँ पर एमिली फिर से उठती है और गिनती गिनना शुरू करती है और अपना चेहरा मिरर में देख के मुस्कुराती है। चौथी एंडिंग थी एमिलीज फेथ। ये एंडिंग तीसरे एंडिंग जैसी है। बस उसमें एमिली का काउंटडाउन और अपने आप को मिरर में देख के मुस्कुराने का शॉट नहीं है। बस वो कैथरीन को दरवाज़ा खुला रखने के लिए कहती है
और बाद में एक चिल्ड्रन साइकोलॉजिकल वार्ड दिखता है। पांचवी और आखिरी एंडिंग लाइफ विद कैथरीन। ये एंडिंग बिल्कुल साइकोलॉजिकल वार्ड की तरह है, बस यहाँ पर एमिली वार्ड में नहीं नए घर के कमरे में है, जहाँ पर कैथरीन के जाने के बाद एमिली अपने बेडरूम में खुद के साथ हाइड एंड सीक खेलते नजर आती है। डायरेक्टर को इस फिल्म के लिए पहले वाली एंडिंग अच्छी लगी होगी, इसलिए इस फिल्म के लिए वही एंडिंग उसने दिखाई। आपको इनमें से कौन सी एंडिंग अच्छी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही में लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।